हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं होममेड गरम मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप एक बार पीसकर दो तरह से मसाला तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ ज़्यादा मात्रा में गरम मसाला बनाया है। यदि आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। मैंने 1 किलो मसाला की मेज़रमेंट लिस्ट इस वीडियो में शेयर की है, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा मसाला बना सकते हैं। अब एक बड़ी परात या बाँस के सूपा में पतला कपड़ा फैला दें। सबसे पहले 525 ग्राम काली मिर्च लेंगे। ब्लैक पेपर कॉर्न मसाले का मेन इंग्रेडिएंट है और इससे मसाले में गर्माहट आती है। आप 75 ग्राम लौंग लेंगे, इससे खुशबू आती है और स्वाद भी बढ़ता है। 150 ग्राम सौंठ लेंगे। ड्राई जिंजर की तासीर गर्म होती है और इसकी खुशबू भी आती है। 150 ग्राम दालचीनी लेंगे। सिनेमन से एक सौंधी सी खुशबू आती है। 75 ग्राम हम नाग केसर लेंगे, इसे नाग चंपा का फूल भी कहते हैं। कोबरा सेफ्रॉन की तासीर गर्म होती है और इसके स्वाद में हल्का सा खट्टापन होता है। 75 ग्राम हम स्याह जीरा लेंगे। केरावे सीड से मसाले में स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाती है। अब 50 ग्राम साबुत जीरा लेंगे, इसका स्वाद तेज होता है और इसे हम तड़के में भी डालते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा कम लेंगे। 150 ग्राम हम चक्रफूल लेंगे, इसे बादियान के फूल भी कहते हैं। स्टार एनिस से मसाले में हल्की सी खुशबू आती है। 75 ग्राम हम बड़ी इलायची लेंगे, इससे मसाले में सौंधी खुशबू आती है। ब्लैक कार्डमम नॉनवेज के लिए बहुत ज़रूरी है। 35 ग्राम हरी इलायची एरोमा के लिए डालेंगे, ग्रीन कार्डमम की खुशबू में ठंडक होती है। 75 ग्राम जायफल लेंगे, नटमक का स्वाद और खुशबू दोनों स्ट्रांग होते हैं, ये ग्रेवी के स्वाद को बढ़ा देता है। 35 ग्राम जैवित्री लेंगे, मेस नटमक के ऊपर का छिलका होता है, इसका स्वाद और खुशबू तेज होती है। 75 ग्राम हम पत्थर फूल लेंगे, इसे दगड़ फूल या छबीला भी कहते हैं। स्टोन फ्लावर से मसाले में एक सौंधी खुशबू आती है, नॉनवेज के लिए ये ज़रूरी है। 50 ग्राम तेज पत्ती मिला देंगे। बे लीफ को हम तड़के में भी डालते हैं, इसलिए इसे थोड़ा कम भी मिला सकते हैं। अब इन मसालों को ढककर 3 से 4 घंटे धूप में सुखा लेते हैं। ढककर सुखाने से इनमें कलर और खुशबू बनी रहती है। अब ये मसाले सूख चुके हैं तो मैं तेज पत्ती को तोड़कर देखती हूँ, इसमें क्रिस्पी आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर क्रिस्प की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि मसाला अच्छे से सूख चुका है। अब इस मसाले से जायफल, सौंठ और दालचीनी जैसे हार्ड मसाले हम निकाल लेंगे और इन्हें खलबट्टा या सिलबट्टे पर छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, क्योंकि यदि आप इन्हें ऐसे ही पीसेंगे तो मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड या तो तिरछे हो सकते हैं या टूट भी सकते हैं। यहाँ मैंने खरल में इन्हें बारीक कूट लिया है और अब ये आसानी से पीस जाएंगे और इन्हें छानकर जो मोटे टुकड़े बचेंगे उन्हें हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ प्लेट में देखिए ये कुटा हुआ मसाला है और अब मैं इसे जार में पीस लेती हूँ और ये देखिए परफेक्ट पीस चुके हैं। और छानने के बाद जो बचेगा इसे हम दूसरी बार के बंच में मिला देंगे। दोस्तों, जब आप मिक्सी जार में मसाला पीसें तो सबसे पहले तेज पत्ती को टुकड़े करके नीचे डाल दें और उसके बाद दूसरे मसाले डालें और फिर पीस लें। इस तरीके से मसालों में जो नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर निकलता है, तो मसाले लम्स नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट मसाला पीसेगा। जब आप मसाला पीसें तो मिक्सी को रुक रुक कर चलाएं, क्योंकि जब मसाला पीसता है तो मिक्सी गर्म होती है और मसाला भी गर्म होता है, जिससे मसाले की खुशबू और स्वाद दोनों कम होने लगता है। इसलिए मिक्सी को रुक रुक कर चलाने से भले ही मसाला देर से बनेगा लेकिन परफेक्ट स्वाद वाला और खुशबू वाला बनेगा। पीसने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और उसमें से हम थोड़ा सा मसाला एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हम दूसरे प्रकार का गरम मसाला तैयार कर सकें। ये मसाला और भी कलरफुल और टेस्ट को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ हमें इतना ही मसाला निकालना है कि वह 1 या 2 महीने में ख़त्म हो जाए। बाकी शेष मसाले को हमें स्टील के बॉक्स में पैक करके रख देना है। तो यहाँ मैं एक स्टील का बॉक्स लेती हूँ और उसमें बचे हुए मसाले को रख देती हूँ और इसके हम एयर टाइट बंद कर देंगे। बंद करने के पहले मसाले को थोड़ा दबा दें ताकि इसमें एयर ना रहे और इसके ढक्कन में हम एक सफ़ेद पेपर लगाकर इसे टाइट बंद कर देंगे और ऊपर से हम इसे एक प्लास्टिक से ढक देंगे ताकि इसमें हवा जाने की गुंजाइश ही ना रहे और ये मसाला 3 से 4 महीने तक भी फ्रेश बना रहेगा, क्योंकि इसमें हवा जाएगी ही नहीं और इसे हमें ठंडे और सूखे स्थान पर रखना है। अब इस बचे हुए मसाले को एक चौड़े बाउल में ले लें और अब हम लेंगे 4 लाल मिर्च, आधा कप धनिया और 1/4 कप खसखस और इन्हें हम
ग्राइंडिंग जार में लेकर इनका पाउडर बना लेंगे। धनिया से मसाले का स्वाद बढ़ेगा और मिर्च से इसमें कलर भी आता है। आप कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और खसखस से तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ने वाला है। दोस्तों, खसखस का स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक रखे जाने मसाले में नहीं डालते, क्योंकि इसके ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए इसे कम समय तक रखने वाले मसाले में आप डाल सकते हैं और मसाले का स्वाद बढ़ा सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है और अब इस मसाले का कलर और भी बढ़ गया है और टेस्ट तो इसका बढ़ेगा ही। और अब हम इसे एक कांच के जार में एयर टाइट बंद करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। और प्रतिदिन इस्तेमाल करने के लिए हम एक छोटे से बॉटल में अलग से मसाला भर लेंगे, क्योंकि हम रोज़ रोज़ जब मसाले का डिब्बा खोलते हैं तो इसमें से खुशबू उड़ जाती है। तो एक छोटे डिब्बे में अलग रख लें, इसे हम रोज़ इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 किलो मसाला तैयार किया है। मसालों को आप पहले पर्याप्त मात्रा में सुखाएं और फिर इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीसें। इकट्ठा हमें नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा पीसने से मिक्सी का जार गर्म नहीं होगा और इसकी खुशबू भी नहीं उड़ेगी। और मसालों को बनाने के बाद हमें इन्हें एयर टाइट डब्बे में रखना है। मसाले को गर्म जगह पर या धूप वाले स्थान पर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी में मसाले के एसेंशियल ऑयल उड़ जाते हैं और उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मसाले से वेज और नॉन वेज ग्रेवी वाली सब्जी में स्वाद आ जाएगा। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।